इन लोगों ने सो रही थी और फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि जब ये लोग कुछ कर नहीं पाते। आपका भी घर था इसमें? भैंस जरल है, बकरी जरल। आपके आपके पति कहाँ रहे? नहीं बाहर तो घर के केहू हुई ना कि दो चार को कागज वगज बनवा के देवे पड़ल दिए थे लोग? अब हम नहीं भरवान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप एक्सप्रेस आप तक, हमें सिवलू। आज मैं कुशीनगर के सिलहरवा टोले में हूं और यहां पे एक दर्दनाक दुख भरी कहानी आप लोग के बीच में दिखा रहा हूं। एक आग लगी हुई है, रात के टाइम में आग लगा है और आगे जानकारी आप लोग को यहां के कुछ परिजन वो लोग बताएंगे कि कैसे आग लगी और क्या हुआ था कि जिससे आग लगी। आइए, यहां पे कुछ लोग हैं और कैसे आग लगा। तो ओ आर जब टहकल गैस सिलेंडर रहल, जब गैस सिलेंडर पर टहकल मान ला कि तब बनौल तब भड़कली, भड़कल छान पकड़ल आ छान पकड़ल बस पसर गई पूरा एक के बेर। कितना लोग के घर रहे इमे? एमे छह आदमी। तो छह आदमी मतलब सब लोग यही घर में? ये घर ही में रहे, घर ही में रहे। हाँ, लड़का रहे चार ठो हमार हो, इतने इतने उम्र के रहे लड़का सब? हाँ हाई हाई बात हाई रहो। तब तो लड़का के बचौले में आप लोग सामान ना निकल ना खीजे निकल ले बबुआ, ये देही पर का बस्तरवा मारो कापी किताब हैं तें। एकरे अलावा भी आप लोग का कहीं घर रहल का? नहीं नहीं, बस ये रहे, यही रहे झोपड़ा। आप लोगों ने देख रहे हैं वीडियो में, आप लोग पूरा साफ साफ दिख रहा है ये जो भी था, छह सात लोगों का घर साथ शायद बताते हैं लोग और आगे भी और लोगों से बात। लेकिन सर, हम जब जाते हुए अपने बिस्तर पर लेटे, पांच मिनट घड़ी का टाइम से हमको बीता, उसके बाद से सर यहाँ पर लोग चिल्लाना चालू कर दिए। तो हमारी जैसे हम लक्ष्मी अपना कह करके पुकारते हैं सर, लक्ष्मी हमारी लक्ष्मी बोलती है क्या ये आज आग लग गई, हिंदी भाषा जानते बानी? हाँ, भोजपुरी। आग लग गया तो वहाँ के क्या करते नहीं, हमारे लक्ष्मी जी पहना लेके हत्या के जे कहा जे बाघ ऊपर आ गई बा। और ये कहल जाओ चाचा जी, जी। कि आपने यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि दमकल्ला जो टाइम से आए रहे कि नहीं आए? नहीं सर, कब आए? आग लग सर, जब आग भूतने का समय हो गया सब बुत गया था भाई था, उसके बाद से देखिए आग ठंडा हो गया, उसके बाद से हमारे ये जो होते हैं जो अपना ये थाने का जैसे दरोगा जी SO ये लोग प्रवेश किए थे, रात में आए थे लोग आग कम होने के बाद, उसके बावजूद फिर उसके बाद से बहुत पब्लिक आया सर। तो मान लीजिए हम लोग 12 बजे तक ऐसे तो हम लोग आँख फाड़ करके बैठे हुए थे, फिर भी हम कहा चलो जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब क्या रह गया उसमें। आइए और भी लोगों से मैं जानकारी लेता हूँ यहाँ पे है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार में भी कोई लापरवाही है क्या, टाइम से नहीं पहुँचना, इसमें कुछ कहेंगे? ये बताइए, 11:15 पे आग लगा है, लगभग 12 बजे के बाद दमकल्ला आया है जी, समय से आ गया होता तो कुछ नुकसान यहाँ होने से बच गया। हो सके तो दूरी की वजह से आने में थोड़ा टाइम लगे, सरकार ऐसा नियम लगाए कि पास पास में एक एक दमकल्ला लगते, हर गांव दो दो गांव पांच पांच गांव की समूह बना। बता रहे थे खड्डा की तरफ से आ रहे थे, खड्डा मान लीजिए दूर है, उसके बाद एक और गाड़ी आई थी वहाँ से, लेकिन आग खत्म, आग जो लगा था ये बुझ गया था, उसके बाद आया। कुछ निकाल नहीं पाए होंगे लोग? नहीं, कुछ नहीं निकला, बहुत नुकसान हुआ है। आ इनका जो है यही था, मतलब बहुत गरीब लोग। हाँ, झोपड़ी समझिए, महल समझिए, यही था इनका, इसके अलावा दूसरा कोई मकान नहीं है इनका। आप लोग तो गांव के हैं, हाँ, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, जो उसके प्रधान जी हैं और लेखपाल की वजह से कुछ मिलना मिलता है इनको, तो सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, इनको आवास दिया जाए, भोजन का राशन का व्यवस्था किया जाए, जो जानवर मरे हैं उनका मुआवजा दिया जाए। मरे हैं कितने? हाँ, मरे दो चार पांच बकरियां मरी, बकरियां मरी, एक भैंस आधा जल गई है, मरी नहीं है, नुकसान ज्यादा। और किसी इंसान को मतलब नहीं कुछ नहीं, इंसान का नहीं हुआ, सभी लोग मैंने बच गए हैं अच्छे से। आप लोगों ने देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही बुरी दशा है यहाँ पे देखा जाए तो, और जो भी घर था वो सब समाप्त हो गया है। ये ऐसा हुआ है कि जब इन लोगों ने सो रही थी और फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि जब ये लोग कुछ कर नहीं पाते, अपना शरीर बचाने के अलावा इन लोग के आगे कुछ नहीं सूझता है और इसमें ये लोग पूरा सामान को छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी कुछ बैठी हैं ये चाची, बात करता हूँ। आपका भी घर था इसमें? भैंस जरल है, बकरी जरल। आपके कौन है लेखपाल लोग, कानगो सिगरेटरी लोग आई रहे लोग, कौन कुछ बताइले लो कि यही आपके मिली चाहे वगैरह? आई लानी है जा, कुछ कहले लो कहानी है जा। आपके पति कहाँ रहे? नहीं बाहर
तो घर के हुई ना कि दो चार गो कागज वगज बनवा के देवे पड़ल दिए थे लोग। अब हम आई भरवानी तो कागज ना दिया ले फिर पासबुक के मान ली फोटो कापी कुछ मंगले हलो पासबुक के फोटो कापी मंगले हलो आधार कार्ड मंगले हलो दिया ही लनो। चले 12 दिन के टाइम लगा लो तो मिल जाएगा। और प्रधान जी से कहनी है कि आवास वगैरह जब गरीब बानी जा तो आवास वगैरह के भी बात कल चाहत रहन कहाई रहा प्रधान जी आई रहनी है। और के आई रहला अधिकारी में के अधिकारी मन दो चार लोग माने अधिकारी आई रहला मैंने सब लोग कुछ न कुछ कही के गई कहानी है जा देख सकते हैं लोग सभी लोग भी उदासी का माहौल है। देख सकते हैं जिसका एक रुपया गुम हो जाता है तो 50 बार खोजता है और जिसका पूरी संसार ही उजर गया उसका क्या गुजर रहा होगा मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद सोच सकते होंगे। और यहाँ पे जो भी कुछ था ये जाड़े के कपड़े थे वो भी जल गए हैं और जो भी था कुछ भी नहीं बचा है। और लोग निकाल भी पाए तो कैसे अपना शरीर बचाएं कि बच्चों को बचाएं कि अपने पशुओं को बचाएं, इस बचाने के अलावा उन लोग को कुछ नहीं सुझा और अपना सामान नहीं निकाल पाए लोग। इसके वजह से पूरी जड़ कर राख हो गई है जो किसी काम का नहीं है। आप लोग सब देख सकते हैं मिट्टी बन गया है पूरा और जो कटरैन है वो भी सब एकदम ऐठा गए हैं जिसको कहा जाए तो। और आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी इसका बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। एक ऐसा आग जो पूरी घर को तबाह कर गई और यहाँ पे पूरी उदासी का माहौल है। इसमें क्या कहा जाए, जो भी लोग आए हैं जो लोग देखते हैं आगे क्या इनके साथ होता है और क्या आवास भी मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अभी तो फिलहाल सभी लोग लिख के लेके गए होंगे, आगे भी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा कि देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।